नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत दिन से हमने प्लांटर्स की बात नहीं की, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्यारे से क्यूट से प्लांटर्स। ये मैंने एंट प्लांटर बनाए हैं, यानी कि चींटी वाले प्लांटर्स, जो हमारे गार्डन को तो सुंदर बनाएंगे ही और वही बनाने में भी बहुत ही ईजी हैं। तो इस तरह की बॉटल्स को हम अक्सर डस्टबिन में डाल देते हैं, तो आज हम इन्हीं से ही एक सुंदर प्यारा प्लांटर बनाएंगे। आप इस तरह से अपनी छोटी बॉटल्स को मार्क कर लीजिए और मार्क करने के बाद आप इसको कट कर लीजिए। काटते वक्त सावधानी रखें। और ये जो है, मैंने देखिए इसके दो हिस्से किए हैं, बीच का हिस्सा हटा दिया और ऊपर और नीचे के हिस्से को इस तरह से जोड़ लिया। अब इसके बड़े ढक्कन के ऊपर इसको रखकर आप मार्क कर लीजिए और इसे कटर से हमें काट लेना है। कैंची से काटिए या कटर से, ये आपकी मर्जी है। पर एक बार फिर कि आप जिस चीज़ से भी काटें, सावधानी से काटें। इसको भी मैंने हटा दिया है और इसमें इस तरह से अटैच कर लीजिए आप। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये फेवी बॉन्ड है और जो नीचे का हिस्सा, जो हमने एक बॉटल में से दो हिस्से किए थे, उसको इस तरह से हम चिपका लेंगे ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। अब ये अच्छे से चिपक गया है और अगर कहीं पर एक्स्ट्रा प्लास्टिक हो तो उसे आप कैंची से काट के निकाल दीजिए। अब हम लेंगे वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा सा फेविकोल मिलाया है। ये लगभग 4 से 5 चम्मच वॉल पुट्टी है। इसमें 1 चम्मच के करीब फेविकोल मिलाया है और इसको कैसे बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप बनाइए। जब ये भुरभुरा हो जाए तो इसमें फिर थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से आप इस तरह से क्ले बना लें। फेविकोल डालना आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने देखा है कि फेविकोल के बाद इसकी मजबूती ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इस तरह से एक लोई बनाएं आप और किसी भी प्लास्टिक की थैली में रख के बेलन से बेल लीजिए। अब यहाँ पर आप जब बेलें तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पतला ना करें और ना ही ज़्यादा बहुत मोटा रखें, एकदम एक जैसा रखिए इसको। और अगर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप इसे थोड़ा सा और पतला कर लीजिए। अब इस बॉटल पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद ये जो हमने क्ले की चपाती सी बनाई है इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा क्ले को आप हटा दीजिए और इसको आप स्मूथ करने के लिए, अगर आपको लगता है कि कहीं से बबल्स आ गए हैं या कहीं से उबड़ खाबड़ सा हो रहा है, तो आप हल्का सा पानी का हाथ लगाएं इस पर और इसको एकदम अच्छे से चिपका लें। अब इसी तरह से पूरी बॉटल को मैं कवर कर लूंगी। जो एरिया देख रहे हैं कि कर्व का है, वहां पर आप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कर्व देने के लिए। ये देखिए, इस तरह से आप पानी लगा के एक सार कर लीजिए इसे। और छोटी छोटी पट्टियां काटकर आप इस तरह से चिपका सकते हैं। और टूल नहीं है तो आप पेंसिल से भी यूज कर सकते हैं कर्व देने के लिए। अब इस तरह की छोटी छोटी दो लोई बनाएं और इससे हम बनाएंगे पैर। इस लोई को थोड़ा प्रेस कीजिए, चपटा कीजिए और इस पर चिपका दीजिए। अब आइस बनाने के लिए इसी तरह की और दो छोटी लोई बनाएंगे और उसे चपटा कर लेंगे, पानी की सहायता से इसे चिपका लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है।
अब यहां पर लेंगे तार, कोई भी तार ले सकते हैं आप, और उसको इस तरह से वॉल पुट्टी से कवर कर लेंगे और इसको बैंड किया और दोनों आंखों के बीच में इसको हमने लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह के टूल का इस्तेमाल करना है, आप घर की चीज़ों से भी इसे कैंची, पेंसिल, नेल कटर और भी कई चीज़ें होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अब बनाऊंगी मैं इसके शूज़ बनाने के लिए अंडाकार मैंने इसकी शेप बनाई और उसके अंदर इस तरह से छेद कर दिए। अब ये मैंने बनाई है शुगर बनाने के लिए आपको वॉल पुट्टी की 2-3 स्क्वायर छोटे बड़े बनाने हैं और उसके ऊपर एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए रख देना है। अब देखिए मैंने वॉल पुट्टी से इसके हाथ भी बना दिए हैं। अब ये देखिए, अब इसको सूखने दीजिए। मेरा ये जो बेस है सूख गया है। अब इस पे हम कलर करेंगे। प्योर ब्लैक नहीं लगाया मैंने, इसमें थोड़ा सा ब्राउन मिला लिया है। अब इसके ऊपर मैंने कलर किया। इस तरह की जो रस्सी है, रस्सी ले सकते हैं, वैसे तो पजामे का नाड़ा है, इसको काट कर मैंने इसके पैर बनाए हैं और उसको भी कलर कर लिया है। और इसके शूज को भी कलर कर लिया। अब बारी है इसके आंखों को बनाने की। सबसे पहले हम नीचे वाले घेरे पे व्हाइट कलर करेंगे। आप चाहें तो व्हाइट में हल्का सा येलो मिलाकर क्रीम कलर बना सकते हैं और बीच में एक डॉट दे सकते हैं। ये देखिए, अब ये शुगर जो मैंने बनाई थी इस पे मैंने कलर कर लिया है। एक कोट और कर लेती हूँ। अब इस शुगर को और इस शूज को अब हम और इसके जो ये लेग्स बनाए हैं इनको इस पर चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लू जब अगर गर्मी में धूप में रखा रहता है तो ग्लू से क्या होता है कि चीज़ें जो हैं छूटनी शुरू हो जाती, गर्म हो जाता है ग्लू। तो यहाँ फेवी बॉन्ड का मैं इस्तेमाल करते हुए इसे चिपकाऊंगी और इस तरह से आप चिपका लीजिए इसको और थोड़ा सा प्रेस कर, कोई भी नोकीली चीज़ से थोड़ा अंदर की ओर धकेल दीजिए। अब इसी तरह से मैंने इसके शूज भी लगा दिए हैं। अब इस शुगर को भी इस पर अटैच कर दूंगी। यहाँ पर फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं इसके हाथों में चिपका रही हूँ। आप चाहें तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। अब जब ये कलर सूख जाए तो इस पर वार्निश की एक कोट कर दिए। वार्निश की कोट से पानी से बचा रहता है, हमारे कलर जो हैं वो और चमकीले हो जाते हैं और बहुत समय तक टिके रहते हैं। अब इसको हम कैसे प्लांटर की तरह यूज़ करें, चलिए ये भी देख लीजिए। अब आपको ऊपर वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर छेद करना है। छेद करने के लिए पेचकस को गर्म कीजिए और इस ढक्कन के अंदर छेद कर लीजिए इसके बेस में। अब इस बेस के अंदर मैंने कपड़े की एक पट्टी डाल रखी है, आप चाहें तो रस्सी डाल सकते हैं, और वो पट्टी इतनी लंबी होनी चाहिए कि नीचे तक उसे छुए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो जो मैंने पट्टी डाली है वो इसमें है। जब भी हम प्लांट के अंदर पानी डालेंगे और एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो नीचे चला जाएगा और जब भी प्लांट को ज़रूरत होगी पानी की तो वो कैपिलरी एक्शन से इस पट्टी से पानी ऊपर आएगा जब, और प्लांट आसानी से ले सकता। अब आप देखिए कि ये मैंने कैसे बनाया।
आप सोच रहे होंगे इतने छोटे छोटे से प्लांटर्स में कौन से प्लांट लग सकते हैं, तो इसके अंदर हम सेकुलेंट प्लांट लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्रो कर जाते हैं। जैसे आप कोई भी हवर्थिया लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने रेड टेल लगा रखी है एक प्लांटर के अंदर और एक में हवर्थिया लगा रखा है। और ये जो मैंने इसकी सीट बनाई है ये कैसे बनाई है, चलिए ये भी जान लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं हैंग करना पसंद करते हैं, तो मैंने खास तौर से इसके लिए एक सीट भी बनाई है। तो ये सीट बनाई है मैंने, चलिए आप देख लीजिए कि कैसे बनाई। अब इस तरह की विम बॉटल्स आती हैं, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, उसे कुछ इस तरह से काट लीजिए। मैंने इसको पूरी तरह से टेप से कवर कर लिया और देखिए मैंने पहले से दो होल बना लिए हैं ताकि मैं इसे दीवार पे लटका सकूं। अब यहाँ पे बॉल पुट्टी का मैंने बना लिया है क्ले और उसकी बनाई है एक चपाती। चपाती को हम इस तरह से इससे लगा लेंगे। अब चाकू से मैंने इस पर इस तरह के कट लगा लिए हैं स्क्वायर, जैसे कि चीनी एक के ऊपर एक पड़ी हो, जैसे चीनी अगर ढेर में देखें तो कुछ ऐसे ही दिखेगी आपको। अब इस तरह से मैंने पूरा बना लिया है इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ स्क्वायर पीसेस मैंने आगे डेकोरेट कर दिए हैं। तो इस तरह से जब मैंने डेकोरेट किया इसको, फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस सैंड पेपर से इसको थोड़ा रब कीजिए, एक्स्ट्रा मिट्टी इस पर से हट जाएगी। और उसके बाद आप इसके ऊपर वाइट कलर कीजिए और फिर इस पर वार्निश मार दीजिए सूखने पर। देखो कितने आसानी से हमारा ये प्लांटर तैयार हो गया है। मेरे ये प्लांटर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आइए इनसे मिलवाते हैं। ये है मेरी रानी चीटी जिसने लगा रखे हैं सुंदर से ब्लू कलर के गॉगल्स, गले में बहुत ही प्यारी सी माला और उसका एक छोटा सा पर्स भी है। ये आई है मेरे गार्डन को देखने, कितनी क्यूट लग रही है ये। इसके दोनों हाथ इसके गालों पर हैं और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के मेरा गार्डन देख रही है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये प्लांटर, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आप भी इस तरह का प्लांटर ज़रूर बनाएं और अपने गार्डन को सुंदर बनाएं। तो फ्रेंड्स मैं अगली वीडियोस पे फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों